2019 का चुनावी महासंग्राम, जिसमें किसकी होगी नैया पार, तो कौन बैठेगा 5 साल विपक्ष में, क्या सबको साथ लेकर चल पाया है देश का चौकीदार, क्या सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई है सरकार की नीतियां, क्या कहता है देश का मुसलमान, मोदी राज में कितनी सुरक्षित हैं मुस्लिम महिलाएं, नोएडा का मुसलमान किस पर लगाएगा अपनी मोहर, और क्या 2019 में मुसलमानों को कबूल होंगे पीएम मोदी। मुसलमान क्या इस बार मन बना चुके हैं मोदी को ही 2019 का सुल्तान बनाने के लिए, देखिए मुसलमानों की राय। 2019 लोकसभा चुनाव के चुनाव आयोग से ऐलान होने के बाद पूरे भारत में एक तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है और हर समाज, हर तबके के लोग और हर पार्टी अपने तरफ वोटर को आकर्षित करने के लिए एक अभियान चलाए हुए है और उनके लिए काम कर रही है। इसी सिलसिले में NMF न्यूज नोएडा में हम लोग पहुंचे, जहां पे अल्पसंख्यक समाज इस वक्त महेश शर्मा, जो लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर के प्रत्याशी हैं BJP के, उनके पक्ष में समर्थन करते हुए दिखा। अब ये हम जानना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यकों के लिए किया, जैसे 3 तलाक का मुद्दा लोकसभा में जो हुआ, उसके बाद से हज सब्सिडी को लेके, या उन महिलाओं के जिनके पति जो है इंतकाल कर चुके हैं और उनको हज पे नहीं भेजा जा, उसको लेके, या और क्या क्या मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये प्रभावित हुए हैं मुस्लिम समाज के लोग, जो इस वक्त जो है महेश शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। 5 साल के अंदर इतना काम किया है, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। हमारी ये ख्वाहिश है कि आने वाले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और यहाँ के सांसद डॉक्टर महेश रहे, हम उनके साथ हैं। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सोचा है और उनको सर उठाने की जिंदगी जी के अच्छी, मतलब कि एक कहना चाहिए इज्जतदार जिंदगी जीने का उन्होंने उनको हौसला दिया है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा लेते हैं, बहुत सी सरकारें आई, बड़े बड़े वादे करते हैं, पर किसी ने भी, खासकर मुस्लिम, हिम्मत नहीं दिखा भाई, जो नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाई है, किसी ने करा ही नहीं है हिम्मत दिखाने, तो बहुत सोचा तक भी नहीं है करने के लिए। सब कुछ 3 तलाक का मुद्दा ऐसा था जिसके अंदर तमाम उलेमाए आकर के, कांग्रेस जो है हमेशा जो है तुष्टिकरण की नीति अपनाती रही है, डरती रही है, इस तरह की बात होती है, डरती नहीं, उसको तो सिर्फ पैसा बटोरने का काम था, वो तो सोच, उसको सोचने का टाइम नहीं था, वो तो ये सोचती थी कि हम लोग अपना कैसे बैंक अकाउंट भरे, कैसे अपना खजाना भरे, सोचना नहीं था, खासकर मुसलमानों के लिए सोचना नहीं था। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान औरतों के लिए सोचा, 3 तलाक जैसी कुप्रथा से उनको बचाया है, और एजुकेशन के लिए जैसे प्रेरित किया है कि जितने भी हैं सब मुसलमान एजुकेट हों। ये जो 3 तलाक का मुद्दे को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मजहब में 3 तलाक है ही नहीं, पर हमारे जो उलमाए लोग हैं वो ये बताना ही नहीं चाहते थे, वो कंफ्यूजन पैदा करके उलमा एजुकेशन की, जो उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन की कमी है उसी की वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट होता था। वैसे मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं दीनी तालीम भी रखती हूँ, मैं हिंदी में PhD किए हुए हूँ, तो इसलिए कि मुझे सारी नॉलेज है, तो मैं वही चीज अपनी बहनों को बताया जिससे मेरा समाज मेरे साथ में जुड़ा, उन्हें बताया कि 3 तलाक का मुद्दा जो है ये कोई इशू नहीं है, और एक बार 3 तलाक कहने से 3 तलाक नहीं होती है। तो सबसे सराहनीय काम तो यही है कि मुसलमान महिलाओं को इज्जत दिलाना, जो मतलब कि तलाक होने के बाद किसी को ये नहीं पता था वो किस रास्ते पे जाएंगी, कैसे अपने बच्चों को पालेंगी, कैसे करेंगी, एक गंदगी में ही जाना था महिलाओं को, खासकर महिलाओं को। तो मतलब ये आपकी बातों से ये समझा जाए कि BJP या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए हैं तो मुस्लिम समाज में महिलाओं को एक सम्मान और एक उच्च इज्जत मिली है। सबसे बड़ी मैं कहूँगी कि इज्जत मिली है, सर उठा के जीने की जिनको सलीका आया है, तरीका आया है, अब वो सर उठा के जी कह सकती है कि भाई मेरी तलाक नहीं हुई है और मेरे घर तो मेरा है। मतलब कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, एजुकेशन में भी वो लोग आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जैसे कि एक वो डर भय था कि नहीं पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, भाई गंदगी होती है, उसका मैं जीता जाता प्रूफ हूँ, मतलब जितनी इज्जत मुझे BJP में मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने या BJP गवर्नमेंट ने ऐसी नीतियां लाई है जो एक बड़े कैनवास में बदला है और जिसपे जो है सभी को चलने का, मुस्लिम समाज को चलने का मौका मिला है, खासकर महिलाओं को। मैं कहूंगी कि उनके जो एक सुरक्षा घेरा, जो एक सुरक्षा कवच उन्होंने घेरा है, अब किसी, जैसे कि हमारे जो हमारे ये थे कहना चाहिए हमारे राष्ट्र सॉरी हमारे ये राष्ट्रपति वो सॉरी नहीं 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 हमारे
योगी जी, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने जैसे कि वो ये ऑर्डर जो उन्होंने लगा दिया था कि कोई भी लड़का लड़की को नहीं छेड़ सकता है, उन्होंने जिस तरह से शुरू से ही आते सार कसना शुरू कर दिया था कमाल लड़का लड़कियों पे, तो इस तरीके से बहुत सराहनीय काम था। उन्होंने जो ये गोश्त काटने वाला था तो उसके अंदर ये था कि किस तरह से वो सब हलाल हराम काम को उन्होंने बताया है। उन्होंने सब एक बार तो इश्यू बनता है किसी अच्छा काम करने परेशानी काफी इस तरह की बातें जो है दूसरे विपक्षी पार्टियां या दूसरे लोग उठाते हैं कि मुस्लिम जो है डरे हुए हैं या मुस्लिम जो है सामे हुए हैं, इनका काम नहीं हो रहा। आप इस नजरिए में कैसे? नहीं नहीं, मैं तो वो खुद डरे हुए हैं, दरअसल वो तो मुसलमान को इशू बना रहे हैं, वो खुद डरे हुए हैं। दरअसल मोदी जी ने इतने 5 सालों में इतना काम कर दिया है कि वो जाना कहना चाहिए ना कि गठबंधन कर लिया है। आपको गठबंधन की क्या जरूरत थी, एक शेर काफी है। मुस्लिम आप डरे हुए हो, इसलिए मुसलमान को डरा रहे हैं। उन्हें बताया कि वोट बैंक मुसलमान है, फिर बेवकूफ बनाएंगे, फिर उन्हें अपनी तरफ रिझाएंगे, फिर मुसलमान उधर आ जाएगा। पर अब मुझे नहीं लगता कि मुसलमान बेवकूफ है, वो समझ चुका है, जाग चुका है, वो अपना सारा वोट बीजेपी की तरफ ही जाएगा। ये मेरी मोदी जी की शुभकामनाएं हैं। सन 2014 में भाजपा की सरकार आई, सरकार आते ही मोदी जी ने जो फैसले लिए मुसलमानों के लिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, रोजगार क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, देश के क्षेत्र में हो, ये काम जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई मोदी जी ने आते ही बैठे ही कर दिया। ये जो बीजेपी ने हमारे 5 साल में जो हम लोगों ने देख लिया है, हम लोगों ने जो देखा है, उस वजह से हमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और बहुत ठीक लग रहा है। ये मुझे भी लगना चाहिए इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और आगे 5 साल आने वाले 5 सालों में सारे मुस्लिम समाज के सारे हर इसके मतलब कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिमों के लिए जो 5 साल का जो कार्यकाल उनका अभी जो रहा है उसमें बेहतरीन काम किया। बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा है, 5 सालों बहुत अच्छा रहा है। हम तो भाजपा को ही वोट देंगे और हमारे सारे भाई जितने जुड़े हुए सब भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं और उनको ही वोट देंगे। मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कह सकता हूँ कि मुसलमान जाग चुका है, मुसलमानों को पता लग गया है कि अब से पहले जो सरकार थी 1,30,000 1,25,000 हाजी जाते थे, उनके साथ जिनके शौहर खत्म हो गए थे वो हज को अकेली जा नहीं सकती थी, लेकिन आज कोटा बढ़ते बढ़ते यानी इतना बढ़ चुका है, हर साल बढ़ाया गया अब इतना बढ़ चुका है कि पहले 1,45,000 हुआ, फिर 1,65,000 हुआ, अब 1,75,000 हो गया है, अब 5,000 और बढ़ा दिए गए हैं, अब लगभग 1,80,000 आदमी हमारे इंडिया का हज के लिए जा सकता है। दूसरी बात, पानी के जहाज की व्यवस्था भी की जा रही है जो सस्ते में हज हो जाएगा। तीसरी बात कि हमारी जो गैर महरम बहनें और माँ बहनें थी वो भी हज के लिए जा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि जो बिना हज करे ही हसरत लिए अपने सीने में मर जाता था, आज वो हज करने के लिए जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा तो मजहब पहले से ये कहता है कि बेटी की कोई हत्या ना करे, किसी बच्चे की कोई हत्या ना करे, कोई गर्भपात ना कराए। ये चीज़ मोदी जी ने लागू करी है। हम ये कहते हैं कि हमारी माता और बहनें, हमारी माँ बहनों की जो इज्जत थी, तीन बार में कह के और उनको जो बेआबरू कर दिया जाता था तलाक के बारे में बेआबरू कर दिया जाता था, उनकी जिंदगी चंद सेकंडों में खत्म कर दी जाती थी। आज वो हक के साथ कह सकती हैं कि मुझे तलाक नहीं दे सकता, मेरा 3 बार में तलाक नहीं हो सकता। उन्होंने मदरसे जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की दिशा तय की, वैज्ञानिक सोच पैदा की, और आपको लगता है इन 5 सालों में मुस्लिमों का ज्यादा विकास हुआ? मुस्लिमों का बहुत ज्यादा विकास हुआ, सबका साथ सबका विकास किया, और आज मुसलमान पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है, शिक्षा में आगे बढ़ चुका है। आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे APJ अब्दुल कलाम पैदा होंगे, बहुत सारे पायलट पैदा होंगे, बहुत सारे इंजीनियर बनेंगे। मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी ने जो किया आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने कोई सफाई पर ध्यान नहीं दिया। केवल क्या किया, सब कहते थे, कांग्रेस कहती थी, सपा बसपा कहती थी, मोदी रोको, लेकिन अभी जो है कई विपक्षी पार्टियों का ना या कई लोगों का सोचना ये भी है कि गठबंधन जो है काफी जो है वोट खींच रहा है और मुस्लिम जो है उधर जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। गठबंधन पे कोई मुसलमान नहीं जाएगा, मुसलमान जागरूक हो चुका है, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये कहते हैं मोदी रोको, मुसलमान भाई सपा बसपा जो है अब मूर्ख नहीं बना पाएगी, मुसलमान नहीं बना पाएगी, बहुत छल लिया 60-65 साल कांग्रेस ने और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने खूब छल लिया, मुल्ला मुलायम बन के बैठ गए, लेकिन कहीं कोई मुल्ला दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं कि मुल्ला मुलायम अगर बनते हैं तो मुसलमानों के लिए क्या किया आपने, नरेंद्र मोदी ने जो किया मुसलमानों के लिए आपने क्या किया? मैं कहता हूँ कि मोदी रोको, मोदी रोको कहते हैं, मोदी जी कहते हैं
कि भ्रष्टाचार रोको, मोदी कहते हैं भ्रूण हत्या रोको, मोदी कहते हैं कुप्रथा तीन तलाक रोको, मोदी कहते हैं बेरोजगारी रोको, ये इनके शब्दों में नहीं आता, इनके मुंह पर कभी ये नहीं आया। कई बार ये बात कही जाती है कि मुसलमान जो है डरा हुआ है, इनका काम नहीं हो रहा है, क्या आपको लगता है इस तरह की बातें जो आप कह रहे हैं? मुसलमानों को जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है उनको डराने का भी यही काम करते हैं, सपा बसपा का काम यही है कि मुसलमानों को डराओ, इनको डरा के ही वोट मिल सकता है, इनको किसी किसी तरीके से डराओ, जब भाजपा आएगी आपको खा जाएगी, आपको काट देगी, आपको मार देगी। आज केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा है और मुसलमान सर उठा के जी रहा है, और मुसलमान सर उठा के रोजगार की तरफ जा रहा है, मुसलमान सर उठा के अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जा रहा है, मुसलमान हक के साथ कह सकता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है। ये तो जो अन्याय किया था ये कांग्रेस ने किया था, सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में किया था, ठग बंधन बना के अब फिर ठगना चाहते हैं, अब मुसलमान ठगाई में आने वाला नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही अच्छे आदमी है, विकास कर भी रहे बंदे, और सबसे बड़ी बात ये जो गठबंधन नहीं, नहीं केंद्र में भी है और राज्य में, हाँ राज्य में भी, यूपी में भी हो रहा है और केंद्र में भी हो रहा है, और हमारे योगी जी आए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और ये जो बनी है गठबंधन ये हमारे हिसाब से लठबंधन है, गठबंधन नहीं है, ये सब ग्रुप बनाने वाले मुसलमान को ग्रुप बना रहे हैं।